भेलपूरी बनाने जा रही हूँ। बहुत ही चटपटा बनता है भेलपूरी, तो आप लोग ज़रूर घर में बनाइएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा मेरे साथ कि मैं कैसे बनाती हूँ भेलपूरी। उसके लिए मैं एक कटोरी ये मुरमुरे ये ले ली हूँ, और उसमें आधी कटोरी में ये चुड़वा ले ली हूँ, चुड़वा फ्राई किया हुआ चुड़वा है, और ये थोड़ी सी ये नमकीन इसमें डाल देंगे आधी कटोरी के आसपास। ये नमकीन भी मैं डाली हूँ, ये आधी कटोरी में मिक्सचर ले ली हूँ, ये आधी कटोरी हरी वाली मटर है भुनी हुई नमकीन वाली हरी मटर, ये आधा कटोरी ये चना है भुनी हुई चना, ये आधी कटोरी मूंगफली भुनी हुई ये डाल दी हूँ इसमें, आधी कटोरी प्याज ले ली हूँ काट के खूब पतला पतला, जितना पतला काट सकते हैं उतना पतला काट लेना है। ये प्याज डाल दी हूँ, और ये एक टमाटर काट करके ले ली हूँ पतला पतला, ये भी इसमें डाल देंगे, और ये एक हरी मिर्च में डाली हूँ, तीखा अपने हिसाब से रखना है, वैसे तो ये तीखी चटपटी ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए इसको तीखा ही बनाने, तो आधी चम्मच में ये मिर्च पाउडर भी डालूँगी, एक मैं हरी मिर्च भी डाली हूँ इसलिए आधी चम्मच में मिर्च पाउडर डाली हूँ, एक चम्मच ये काला नमक इसमें डाल देंगे, और ये एक चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। ये आधी नींबू ले ली हूँ मैं, इसको नीचे ओढ़ करके इसका रस भी इसमें डाल देंगे, एक चम्मच में ये इमली की चटनी ले ली हूँ खट्टी मीठी वाली इमली की चटनी, बहुत ही ये डालने से बहुत ही चटपटा अच्छा बन के तैयार होता है। ये नींबू आधी जो दिखाई थी मैं उसका रस निचोड़ ली हूँ, ये नींबू का रस इसमें डाल देंगे, अब इसमें दो बड़े चम्मच गुनगुना सरसों तेल डालना है, गुनगुना करके मैं दो बड़े चम्मच इसमें सरसों तेल डाल दूंगी। अब इस सारे को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, बाहर के खाना से अच्छा है कि घर में ही सारे कुछ लाके और इसको अच्छे से बनाएं। ये भेलपूरी बहुत ही चटपटा बनता है, ये बच्चे भी खाएंगे खुश होके, तो आप लोग मेरी वीडियो देखकर मेरे तरीका से एक बार ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, मैं बड़ी वाली बॉल में आप लोगों को दिखाने के लिए ली थी कि अच्छे से आप लोग देखें कि मैं कैसे बनाती हूँ भेलपूरी। ये देखिए ये भेलपूरी बन के तैयार हो गया है, कितना अच्छा ये भेलपूरी लग रहा है।